गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करते हैं पूर्णतया अस्वीकृत खर्चे बिजनेस एंड प्रोफेशन एड में, जो डिस अलाउड एक्सपेंसेस, मतलब कि उनको किसी भी हालत में P&L में नहीं लिखा जाना चाहिए। तो ये जो पूर्णतया अस्वीकृत खर्चे हैं ये कौन कौन से, तो बहुत सारी कैटेगरी है इसमें। सबसे पहले तो किसी अनिवासी को यदि कोई भुगतान किया गया है, बिना DDS काटे, मतलब यदि आप अनिवासी को कोई ब्याज वगैरह कोई भुगतान कर रहे हो, तो जरूरी है कि उस राशि पर TDS काटा जाए। लेकिन मान लो आपने बिना TDS काटे अनिवासी को कोई भुगतान कर दिया है, तो वो सारा का सारा भुगतान क्या होगा, आपका अस्वीकृत हो जाएगा, खर्चों की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। आयकर, ये तो कल बताया था मैंने आपको। संपत्ति कर, इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स यदि मालिक ने अपना चुकाया है तो बिजनेस हेड में वो उसकी स्वीकृति नहीं मिल सकती। ठीक है, करदाता के निजी व्यय, मतलब पर्सनल एक्सपेंसेज है। मान लो मेरा कोई बिजनेस है और मैं अपने खुद के पर्सनल खर्चे भी यदि बिजनेस के खर्चों में लिख रहा हूँ, तो वो खर्चे किसी भी स्थिति में आपके स्वीकृत नहीं होंगे, क्योंकि वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, आपके पर्सनल खर्चे हैं, इसलिए स्वीकृत नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार का आयोजन या संचय, यदि आपने अपने लाभों में से कोई आयोजन या संचय बनाया है, तो खर्चों की श्रेणी में नहीं आएगा, उससे आपको खर्चों की छूट नहीं मिलेगी। बनाना आप बना सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको खर्च नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, तो आयोजन या संचय आपने कोई बनाया है तो उसकी स्वीकृति आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, केवल एक वित्त निगम का विशेष संचय होता है, केवल वित्त निगम के विशेष संचय की छूट मिल सकती है, बाकी आपको किसी भी आयोजन या संचय की छूट नहीं मिलने वाली है। ठीक है, दान, भेंट, उपहार, यदि आपने कोई डोनेशन दिया है, गिफ्ट दिया है किसी को, तो उसकी भी छूट आपको बिजनेस एंड में नहीं मिलेगी, चाहे आपने कितने पैसे दिए हो उसके लिए। ठीक है, उसके बाद में पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय की छूट आपको पता नहीं मिलती है। पूंजीगत व्यय तो बैलेंस शीट के आइटम होते हैं, तो P&L में वैसे लिखने नहीं होते, मतलब उसकी छूट आपको नहीं मिल सकती। लेकिन यदि आपने P&L में लिख दी है, तो वापिस से अस्वीकृत आपको करने ही पड़ेगी। ठीक है ना, उसके बाद है दंड अथवा जुर्माना, कोई पेनल्टी लगी है आपके ऊपर, किसी भी चीज की पेनल्टी हो, आपने कोई फ्रॉड किया हो, कोई केस चल रहा हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा हो किसी से, तो कोई पेनल्टी लगी है, तो पेनल्टी की छूट आपको, दंड जो पेनल्टी लगी है आपकी, पनिशमेंट, उसकी छूट आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो आपकी गलती के कारण से लगी है, इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उसकी छूट अलाउ नहीं करेगा आपके लिए। ठीक है, उसके बाद है पूंजी प्राप्त करने के लिए दिया गया कमीशन, मतलब यदि पूंजी प्राप्त करने के लिए आप कोई कमीशन दे रहे हो, जैसे मान लो आप शेयर इश्यू कर रहे हो, ठीक है ना, तो शेयर इश्यू कर रहे हो, तो जो कमीशन वाले लोग हैं उनके थ्रू कर रहे हो, तो उनको शेयर बेचने के बदले में कमीशन दे रहे हो, या किसी बैंक से लोन ले रहे हो तो एजेंट को कमीशन दे रहे हो, तो कमीशन की छूट आपको नहीं मिलेगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको कमीशन की छूट नहीं मिल सकती। ठीक है ना, तो अंश निर्गमन के जितने भी खर्चे होते हैं उनकी छूट आपको P&L अकाउंट में नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में जैसे मान लो कोई राजनीतिक पार्टी को आपने चंदा दिया हो, पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया हो,
और उसकी छूट अपने बिजनेस में मांग रहे हो तो नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को दिए गए चंदे पर व्यापार बिजनेस हेड में किसी भी तरह की छूट। हाँ, ये बात जरूर है कि आगे पढ़ोगे आप, जब हम डिडक्शंस पढ़ेंगे कि सारे हेड में से मिला के जितनी इनकम होती है उसमें से कुछ डिडक्शंस दी जाती है, कटौतियाँ दी जाती है, तो कटौतियाँ जो है उसमें आपको राजनीतिक पार्टी को यदि आपने कोई डोनेशन दिया है तो छूट मिलती है। लेकिन प्रॉपर बिजनेस हेड में, व्यापार का जो शीर्षक है अपना, उसमें आपको इसकी छूट नहीं मिल सकती, ठीक है ना। उसके बाद में आयकर विभाग को दंड के रूप में दे ब्याज, आपके ऊपर पेनल्टी लगाई है मान लो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने और उसके ऊपर ब्याज भी लगाया है, तो पेनल्टी और ब्याज दोनों ही छूट आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि आपने इनकम टैक्स भरने में गलती की थी तभी तो पेनल्टी लगी है और उस पेनल्टी पे ब्याज लगा है। तो आपकी गलती के कारण से कोई यदि काम हो रहा है तो कोई खर्चा लग रहा है आपका, तो बिजनेस हेड में उसकी छूट आपको नहीं मिलेगी, ठीक है ना। उसके बाद में स्वयं की पूंजी का ब्याज, अब मान लो मेरा बिजनेस है और मैं खुद की पूंजी लगा रहा हूँ बिजनेस में, तो आप लोग पढ़ते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं चाहूँ तो अपने बिजनेस से चार्ज कर सकता हूँ, चार्ज भले करो, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से आप स्वयं अपनी पूंजी पर ब्याज नहीं लगा सकते हो, और ऐसा खर्चा यदि आपने P&L में लिखा है तो उसको अस्वीकृत करके फिर टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी, ठीक है। उसके बाद में कल भी बताया था आपको अप्रमाणित भविष्य निधि में अंशदान, यदि आप अपने कर्मचारियों के लिए अप्रमाणित भविष्य निधि आपने बना रखी है और उसमें यदि कोई अंशदान कंट्रीब्यूशन दे रहे हो आप, तो इस कंडीशन में आपको उसकी छूट बिजनेस एक्ट में नहीं मिल सकती। ये बात कल भी हमने कर ली थी। मालिक का जीवन बीमा प्रीमियम, मालिक की खुद का जीवन बीमा प्रीमियम है तो पर्सनल खर्चा हो गया, ये तो बिजनेस का थोड़ी बीमा कराया जा रहा है। बिजनेस से रिलेटेड यदि कोई बीमा हो तो उसकी छूट तो मिलेगी, लेकिन मालिक का खुद का जीवन बीमा प्रीमियम है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो उसकी छूट किसी भी कंडीशन में नहीं मिल सकती, ठीक है ना। उसके बाद है मालिक का स्वयं का वेतन, जैसे मालिक के स्वयं की पूंजी का ब्याज नहीं मिलता वैसे खुद के वेतन की भी छूट नहीं मिलेगी। जब आपका खुद का ही बिजनेस है तो आप अपने बिजनेस से यदि सैलरी उठा रहे हो तो उसकी छूट आपको बिजनेस हेड में नहीं मिल सकती, ठीक है ना। उसके बाद में किसी मान लो राजनीतिक पार्टी की मैगजीन है और उसमें आप यदि कोई विज्ञापन दे रहे हो तो उस विज्ञापन के खर्चे की भी छूट आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने राजनीतिक पार्टी के पत्रिका में मैगजीन में आपने विज्ञापन दिया है तो उसकी छूट आपको बिजनेस हेड में नहीं मिल सकती, ठीक है ना। तो बेसिकली ये पॉइंट जो है ये सारे अस्वीकृत खर्चों के हैं, मतलब इन खर्चों की स्वीकृति आपको नहीं मिलेगी। यदि इन खर्चों को करदाता ने P&L में लिख दिया है तो उनको वापस से डिसअलाउड करके अपने को लाभ बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी तक देखो मैंने आपको खर्चों की तीन कैटेगरी बता दी, पहला पूर्णतः स्वीकृत खर्च, दूसरा व्यापार के सामान्य सिद्धांतों के आधार पर स्वीकृत खर्चे, और तीसरा अस्वीकृत खर्चे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक टाइप का खर्चा और बाकी है उसके बारे में बात करेंगे, कुछ शर्तें पूरी करने, ठीक है ना, जो खर्चे है वो अलाउड हो जाते हैं, तो परिस्थितियाँ जो है वो देखेंगे और क्या क्या करना है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, फिर इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे। इनको अच्छी तरह से ध्यान में रखना, पढ़ लो एक दो बार, समझ में आ जाएगा। थैंक यू।